हेलो दोस्तों, तो मधुबनी स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार में बाहर है पुलिस कर्मी का जो है अभी बाहर देखने को मिल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार है, पुलिस कर्मी का बाहर है, शिक्षक का बाहर है, इंजीनियर लोग बेचारा बेरोजगार है, लाचार है, वहाँ कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा। मगर यहाँ देख लीजिए, बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, आप हमारे, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। हम इसी प्रकार से नया नया अपडेट आप लोग के बीच लेकर के आते हैं और आते भी रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले, क्योंकि वहां पे जो है आपको हर एक अपडेट मिलता है, पीडीएफ फाइल, नोटिफिकेशन जो भी आता है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाता है मधुबनी स्टडी सेंटर पे। तो वहां से ज्वाइन होकर के अधिक से अधिक अपडेट आप लोग पा सकते हैं। तो बिहार पुलिस में एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि 2024 करेंट डेट अभी चल रहा है, उन्हीं में ये एक पेपर कटिंग के माध्यम से अभी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। टोटल इसमें 28,000 पोस्ट है, संपूर्ण जानकारी इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम अभी आप लोग के बीच देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या अपडेट है। देख लीजिए, बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली छह माह में 78,000 वैकेंसी अभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें जो है, मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश दे चुके हैं। डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो बताते हैं इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है। और देख लीजिए, ये हमारे पलटू चाचा हैं, जो कि 1239 चयनित अवर निरीक्षक की नियुक्ति पत्र जो है बांटते हुए दिख रहे हैं। इसमें देखिए, बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 6 माह के अंदर पुलिस के रिक्त पद 78,000 पद पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। 78,000 बहुत ही बड़ा संख्या में यह वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वे सोमवार को सम्राट अशोक कॉन्फ्रेंस केंद्र स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम को कर रहे थे। उसी कार्यक्रम में जो है ये बात बोले हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने 1239 जो है निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे हैं, और बांटने के बाद ये बोले हैं कि इसमें बिहार पुलिस में इतना पद देखने को बहुत ही जल्द आप लोग को मिलेगा। इसमें जो है देख लीजिए, 442 महिला को मिला नियुक्ति पत्र। उसके बाद भी ये सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। उसमें बताया गया कि नवीनतम पुलिसकर्मी अवर निरीक्षक गौतम कुमार, शोभा रानी, आडली कुमारी, शिवेश कुमार झा, ये सभी का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी संख्या 1.10 लाख है, पेपर में थोड़ा कटिंग है इस लेकर के हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं। 20,000 पुलिसकर्मी की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने पुलिस महानिदेशक को कहा है कि रिक्त पद की बहाली जल्द कराएं। बिहार में पुलिस वाले की संख्या 2.29 लाख होनी चाहिए। ये सारा बात इसमें बताया गया है। पुलिस बल में महिला को जो है 35% आरक्षण दिया गया, ये भी बात इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया, पटना ने बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चयनित अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और डीजीपी अशोक राज, ये सभी मिलके जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं और घोषणा कर दिए हैं कि 28,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है और मिलेगा भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो क्यों नहीं देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया कि आज 1239 नवनियुक्ति पुलिस अवर निरीक्षक को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसमें 442 महिला है और वो बहुत खुशी की बात है कि सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मी अवर निरीक्षक को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए, तो ये शुभकामना सब दे रहे हैं। मगर ये जो घोषणा कर दिए कि 78,000 वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर एक अपडेट देंगे। और ये पेपर कटिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से अधिक अपडेट पाने के लिए। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।